पिछले एपिसोड में आपने देखा, मैंने मगरमच्छ को पिंजरे में डाल के बचाई विशु की जान। लखन लोमड़ी के सामने एक शर्त रखी कि किसी एक को बाहर जाने देगा तभी हम उसका खेल खेलेंगे। लेकिन नागिन ने हमें बताया कि मम्मी की जान खतरे में, और मम्मी को बचाने के बदले हमने उसे बाहर जाने दिया। हमने खेल शुरू किया और वहाँ मायावी चमगादड़ों ने हम पे हमला किया। चमगादड़ों को हरा के हमने एक चूहे को खड्डा खोदते हुए देखा और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। माया के पंछी उड़ाने की वजह से हमें लक्कड़ लोमड़ी कहाँ है ये पता चला, और विशु की मदद से हमने बाहर जाने का रास्ते तक फल रख दिए जो चूहों ने खाने शुरू किए। चूहे ने बाहर निकल के रास्ता खोला और हम निकलने वाले थे कि लक्कड़ लोमड़ी सामने आ गया और वो माया को उठा कर ले गया। हम गए गुफा में, लेकिन वो निकला एक अजगर और हम फंसे उसके पेट में। अब देखिए आगे। धुआं में पचा भी देगा मेरे भाई, ये दोस्ती यार याद रहेगा। हर चीज में जल्दी करना ठीक नहीं है, खासकर मरने में। एक मिनट रुक। ओए जल्दी कर। हाँ मेरे पीछा, जल्दी आ। चल विशु, अब मैं जल्दी से पहले माया को ढूंढना होगा। ठीक है, आ गया पार्ट जीते विशु की गिरफ्तार। मेरे बहुत सारे रूप बच्चा से असली माया कौन सी है? गुरुकाल, देखो ना यहाँ कितनी उमस हो रही है, गर्मी हो रही है। चलो ना बाहर चलते हैं, खुली हवा में सांस ले लेते हैं, ताजा हवा खा लेते हैं। अरे चुप, सुंदर दृश्य आने वाला है, जिस दृश्य का मैं सालों साल से इंतजार कर रहा हूँ। रुद्र के रक्षक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और वो माया भी चाबी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और तू चाहता है कि मैं बाहर हवा खाने आऊं? चुप, यही तो मैं चाहता हूं कि तू ये दृश्य ना देखे। गुरुकल,
आखिर रुद्र के रक्षक मरने ही वाले हैं ना, तो क्यों ना कुछ नाच गाना हो जाए। अभी रुद्र के रक्षक खत्म होंगे। ये देखो शक्ति की कार्ड की आपको तलाश है वो मेरे पास है। ये आप रुक्मिणी को पिला दीजिए, वो उस बुरे सपने की दुनिया से वापस आ जाएगी। एक मिनट, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आपको ये तभी दूंगी जब आप मुझे चमेली के बारे में बताएंगे। चमेली एक खतरनाक यक्षिणी है, वो आदमियों को अपने मायाजाल में फंसा लेती है, और वो जब उसके किसी काम के नहीं रहते उन्हें फूल पत्ते पौधे बना देती है। इसका मतलब ये कि शकुर की जान खतरे में। ये लीजिए। ये मैं डुक्कू को भी पिला देता हूं। मैं जानती हूं कि रुद्र के रक्षक कहां, वो लोग तिलिस्म जंगल में कैद है। Mombasa! Talia! खतरनाक है अमंगल, है मौत ये तिलिस्मी जंगल। ना कोई जा सकता और ना कोई आ सकता, बस लक्कड़ लोमड़ी ही तुम्हें बता सकता। अब इस लक्कड़ लोमड़ी को कहाँ ढूंढूं? एक और रास्ता है, पर कोई उस रास्ते से जाता नहीं क्योंकि वो मौत के बराबर है। कौन सा रास्ता ज्ञान पांडे? खौफ से भरा है ये जरिया, कहते हैं उसे मृत्यु दरिया। जितनी देर से मिलोगी ना माया, उतनी देर तक तुम्हें मारता रहूंगा मैं। मुझे पता है माया कि तुम यही कहीं हो। तुम्हारी आहट मैं सुन सकता हूं, समझी? Thank you.
चौधरी। सॉरी मैंने तुझे घर पर चढ़ा है, लेकिन तू बार बार छोड़कर जाना बंद करा। गाइस, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहाँ चलो। जीजा जी, मैंने ये मृत्यु दरिया के बारे में पढ़ा है कि एक बार जो यहाँ पे चला गया ना, वो इस दरिया से वापस नहीं आता। हमारे पास और कोई चारा नहीं है डुगो। इस तिलिस्म जंगल में बच्चों को ढूंढने का यही एक रास्ता है। अगर तुमको डर लग रहा है ना, तो अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। क्या मतलब आपका घर लौट जाओ? अरे जीजा जी, मैं आपके साथ आऊंगा, बच्चों की जान का सवाल है जीजा जी। और आपको पता है, बच्चों का सुपरमैन हूं मैं, ये बात और है, मैं पैंट के ऊपर चट्टी नहीं पहनता। सुपरमैन छुआ है सर। चलो मम्मा, अच्छा पहले रो जा आराम से। जल्दी यहाँ से घर जाना होगा, पता नहीं मम्मी किस हालत में होगी। और नागिन ने मम्मी को उस काली शक्ति से बचाया भी होगा, यानी और पापा भी बहुत चिंता में होंगे। चलो डुगो, 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 रुजा, डुगो।
दादी। चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी, पता कितना घबरा गई थी मैं। अरे बच्चों कहाँ थे तुम लोग, हाँ इतना टाइम क्यों लग गया? दादी बहुत लंबी कहानी है। रुक्मणी बच्चों के लिए खाना निकालो ना, भूखे हैं ये कब से। हाँ 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 मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, तब तक तुम लोग हाथ मुंह धो, ठीक है? बच्चों आदित्य और डुगू कहाँ हैं? वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं है? मतलब वो हमारे साथ क्यों होंगे? हाँ हे भगवान, वो तो तुम सबको ढूंढते ढूंढते तिलस्मी जंगल तक पहुँच गए हैं। मतलब लक्कड़ लोमड़ी। तुम्हें क्या लगा खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? तुम्हारे पापा और मामा ने तिलस्मी जंगल में तुम्हारी जगह ले ली है। नहीं अभी ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमें वापस से वहीं भेजना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है, कौन है ये? एक है आदित्य की माला और दूसरा डुग्गू का रुमाल। अगर उन्हें दोबारा वापस देखना चाहते हो तो आकर मेरा खेल पूरा करो। ये लीजिए दादी, चलो। इससे पहले कि तुम फिर कोई खुराफात सोचो, जरा एक नजर ऊपर देख लो। दो घंटे में ये रस्सियां पूरी तरह टूट जाएगी। Shoot!